केंद्रीय विद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। नमस्कार, मैं अनुप जखमोला, शारीरिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस संकल्प के साथ ध्यानचंद जी के जीवन के रोचक तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजर ध्यानचंद को विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता है। मेजर ध्यानचंद को लोग हॉकी के जादूगर के नाम से भी पुकारते हैं। अगर हॉकी खेल का किसी खिलाड़ी को पर्याय कहा जाए तो जहन में एक ही नाम निकल के सामने आता है, वह है मेजर ध्यानचंद। और क्यों ना हो, जिस तरीके से मेजर ध्यानचंद ने अपने कलात्मक हॉकी से भारत का नाम विश्व पटल में प्रसिद्ध किया है, जिसके लिए वो असली हकदार भी हैं। अब चर्चा करेंगे मेजर ध्यानचंद के और भी रोचक तथ्यों के बारे में जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त किए। मेजर ध्यानचंद इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि एक बार हॉकी की बॉल ध्यानचंद की ही हॉकी से क्यों चिपकी रहती थी, यह देखने के लिए हॉलैंड में उनकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया था कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। पिता सेना में सिपाही थे और मेजर ध्यानचंद का खेल में ज़्यादा रुचि नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने कभी इसमें दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। मगर इसके बावजूद जिस तरीके से हॉकी के खेल में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी सच्ची लगन, उनकी साधना और उनकी मेहनत है कि जो उनको एक महान खिलाड़ी बना पाई। एक बार जब ध्यानचंद एक मैच में गोल नहीं कर पाए तो उन्होंने गोल पोस्ट के माप के बारे में मैच रेफरी से बहस की। जब गोल पोस्ट को मापा तो ध्यानचंद सही निकले। गोल पोस्ट की चौड़ाई अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से कम निकली। मेजर ध्यानचंद ने अपनी स्कूली शिक्षा नवी तक पास की। नवी पास करने के बाद 1922 में 16 वर्ष की आयु में वह सेना में भर्ती। अभी तक हॉकी के प्रति उनकी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वे रात को चांद की रोशनी में ज्यादातर प्रैक्टिस करते थे, तो दोस्तों ने उनके नाम के पीछे चंद लगा दिया। चंद मतलब चंद्रमा। हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। मेजर तिवारी स्वयं भी हॉकी के प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करते रहते थे। जर्मनी के एक संपादक ने ध्यानचंद की उत्तम खेल कला के बारे में इस तरह टिप्पणी की। कलाई का एक घुमाव, आंखों देखी एक झलक, एक तेज मोड़ और फिर ध्यानचंद का जोरदार गोल। हॉकी में शानदार प्रदर्शन करने पर सेना ने ध्यानचंद को यथोचित सम्मान दिया और लगातार पदोन्नतियां मिलती रही। सन 1927 में लास नायक बना दिए गए। 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए। 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। जब द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो सन 1943 में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में कप्तान बना दिए गए। 1938 में उन्हें वायस राय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बन गए।
उसके बाद एक के बाद एक सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन बन गए। बाद में उन्हें मेजर भी बना दिया गया। क्रिकेट में ब्रेडमैन, फुटबॉल में पेले, बॉक्सिंग में मोहम्मद अली, इसी तरह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ध्यानचंद का जलवा ओलंपिक में भी बरकरार रहा। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने 1932 में 37 मैच में 338 गोल किए, जिसमें से 133 गोल तो केवल ध्यानचंद ने किए थे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में ध्यानचंद से मुलाकात की। ध्यानचंद को खेलते देख ब्रैडमैन ने कहा कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। इसका एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने प्रतिभाग किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से, बेल्जियम को 9-0 से, डेनमार्क को 6-0 से, स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराया और इस प्रकार भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में भारत और हॉलैंड का मुकाबला था। फाइनल मैच में भारत ने हॉलैंड को 3-0 से हरा दिया। इसमें 2 गोल ध्यानचंद ने किए। 32 के लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स। इन ओलंपिक गेम्स को इसलिए भी याद किया जाता है कि अकेले मेजर ध्यानचंद ने अमेरिका की टीम को 24-1 से हरा दिया था निर्णायक मुकाबले। इस दौरान अमेरिका समाचार पत्र ने लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूरब से आया तूफान थी और उसने अपने वेग से अमेरिका टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया। 32 के बर्लिन ओलंपिक। इस ओलंपिक के लिए मेजर ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया और मेजर ध्यानचंद ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। फाइनल मुकाबला जर्मन से हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराकर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। मेजर ध्यानचंद ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला। इसके बाद उन्होंने नए खिलाड़ियों को हॉकी का खेल खिलाना शुरू कर दिया। वह इसके बाद एनएएस पटियाला में भी लंबे समय तक हॉकी के कोच रहे। 1936 ओलंपिक से पहले भारत का एक अभ्यास मैच जर्मनी के साथ हुआ। इस अभ्यास मैच में भारत जर्मनी से 4-1 से हार गया। अपनी आत्मकथा द गोल में मेजर ध्यानचंद ने लिखा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं इस हार को नहीं भुला पाऊंगा। मेजर ध्यानचंद को 1956 में 51 वर्ष की आयु में पद्म भूषण देकर भी सरकार ने सम्मानित किया। हॉकी के शिखर पर राज करने वाले मेजर ध्यानचंद जी का निधन 3 दिसंबर 1979 को हुआ। उनका अंतिम संस्कार किसी घाट में ना होकर उस मैदान में किया गया जहां पर वो बचपन के दिनों में खेला करते थे। जब बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी खेल रही थी तो वहां हिटलर भी मैच देख रहा था। इसमें मेजर ध्यानचंद के खेलने के तरीके से प्रभावित होकर हिटलर ने उनको बुलाया। बातचीत में हिटलर ने कहा, हमारे देश की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें आर्मी में मार्शल बना दूंगा। मेजर ने कहा, मेरा देश भारत है और मैं वहीं खुश हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मेजर ध्यानचंद जी को जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। नमस्कार। जी हाँ, अब आप सभी के लिए 1936 का वह दिन जिस दिन की भारत और जर्मनी के बीच में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी का फाइनल मुकाबला हुआ था, इस मैच को देखने के लिए खुद जर्मनी के शासक हिटलर भी वहां पर मौजूद थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और क्यों ना हो, विश्व की निगाह इस फाइनल मुकाबले में थी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का ये लगातार ओलंपिक में 3रा मुकाबला था। 1928, 1932 और 1936 हैट्रिक की ओर अग्रसर थे मेजर ध्यानचंद। क्या वो हैट्रिक बना पाए या ना बना पाए, पूरे मुल्क की निगाहें इस मैच में थी और बेहतरीन मुकाबला चला।
जहां तक इस मैच के बारे में कहते हैं तो भारतीय टीम फाइनल मुकाबले से पहले एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर था, क्योंकि जर्मनी की टीम ने एक अभ्यास मैच में भारत को 4-1 से शिकस्त दी थी। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से ओलंपिक में आगाज किया था भारतीय टीम ने और उनका सपना पूरा हुआ, फाइनल तक पहुँचे। और फाइनल शुरुआत होने से पहले ही रात को बहुत बारिश बर्लिन में हो गई थी, जिसके कारण कि मैदान काफ़ी गीला हो गया था। और जिस तरीके के शूज भारतीय टीम ने उस टाइम पहने थे रबर के, वो ग्राउंड में काफ़ी स्लिप हो रहे थे। और बताया जाता है कि पहले हाफ में 1-0 से बढ़त बना ली थी भारतीय टीम ने, और उसके बाद दूसरे हाफ में ध्यानचंद ने अपने जूते उतार के नंगे पैर से खेला उस मैदान में और 6 गोल किए थे जर्मनी की टीम के ऊपर, और फाइनल मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी ब्रिटिश भारतीय टीम 8-1 से। लगातार ये तीसरा ओलंपिक गोल्ड था मेजर ध्यानचंद के लिए, उनके सपने साकार होते चले गए। बतौर कप्तान के रूप में वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बेहतरीन मुकाबला चल रहा था हॉकी का और पूरे विश्व में उस टाइम हॉकी का डंका बजता था जिस तरीके से खिलाड़ी हॉकी खेला करते थे। इस बीच एक और प्रयास भारतीय टीम के द्वारा, अच्छा रक्षा गोलकीपर ने सेव किया। अब जवाबी हमले की तैयारी में है यहाँ पर जर्मनी की टीम, देखना क्या कुछ होता है। काफ़ी अच्छा मुकाबला ही चल रहा था, अगर हॉकी के लिहाज से हैं काफ़ी दर्शक इस मैच को देख रहे थे, क्यों ना हो, ऐसे मुकाबले इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस बीच एक अटैकिंग हमला और ये गोल, तो ये मुकाबला काफ़ी अहम था और ये पहला गोल यहाँ पर किया था जर्मनी की टीम ने और दर्शक काफ़ी मंत्रमुग्ध थे इस मैच के लिए। एक बार फिर से मैच प्रारंभ, बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी, अच्छी कलात्मक हॉकी देखने को यहाँ पर मिल रही है और क्यों ना हो, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला था ये। इस मैच के बाद जब भारतीय टीम ने 8-1 से फाइनल मुकाबला जीत लिया था, तो जर्मनी के शासक और तानाशाह हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी को कहा कि आप आइए और जर्मनी की टीम से खेलिए, मगर ऐसा हो नहीं पाया और भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीत।